सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टू चार्ज। और दोस्तों मैं हूं अनिल और स्वागत है अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों मैं हूं अभी नोएडा में और मेरे पीछे का व्यू देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से पूरा दिखा दें। तो दोस्तों मैं हूं अभी नोएडा में, जैसे कि मैंने बताया, और मेरे पीछे देख रहे हैं मॉन्यूमेंट, ये है राष्ट्र दलित प्रेरणा स्थल जो कि मायावती द्वारा बनाया गया है और इसे ग्रीन गार्डन बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था यहाँ आने के लिए पर आ नहीं पा रहा था। फाइनली मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं आपको पूरा ये गार्डन घुमाऊँगा और पूरी चीज़ें बताऊँगा और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर पूरा पार्क घुमाते हैं आपको और दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो दोस्तों मैं हूँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पार्किंग लॉट में और यहाँ दादू पार्किंग बिल्कुल फ्री है और पार्किंग इस तरह बाइक्स खड़ी होंगी और बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो चलिए अंदर चलते हैं। हेलो, तो दोस्तों ने टिकट ले ली है और हमें यहाँ एक बंदे का टिकट पड़ा है 15 रुपये और बहुत ही सस्ता है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं आपको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। दोस्तों मैं हूं अभी राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 5 में और यहीं से आपकी एंट्री होगी और एंट्री लेने के बाद जैसे अंदर घुसेंगे कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। और अब हम चलते हैं पहले सामने और पहले अंदर चल के देखते हैं क्या है, उसके बाद बाकी गार्डन एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। तो हम चल रहे हैं ऊपर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो गेट देखिए कितना बड़ा है, गेट बहुत ज़्यादा विशाल है और यहाँ भी हाथी लगा हुआ है। कृपया शांति बनाए रखें। तो उसे इन्फॉर्मेशन लिखी है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के बारे में और रात को बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग जो होती है इसकी बहुत अच्छी लगती है। सामने आप देख रहे हैं 11 अम्बेडकर, मायावती जी और इनका नाम मुझे नहीं पता। सोचते हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरा है पर आई होप वीडियो क्वालिटी अच्छी हो थोड़ी सी और आपको सही से दिखाई दे। ये देखिए हर जगह मायावती जी की फ़ोटो। देखो यहाँ कुछ लड़के हैं जो इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, ये देखिए फुल मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। ये आज की नई युवा पीढ़ी। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ हाथी लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये जो आम्बेडकर पार्क लखनऊ है उसका ही रिप्लिका है और इस तरह का पार्क लखनऊ में दिख जाएगा हाथी वाला। Thank you.
सो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है जिसे ग्रीन गार्डन कहते हैं, ये सेक्टर 95 नोएडा में है और इसका निर्माण 14 अक्टूबर 2011 में मायावती ने करवाया था और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और अभी तक तो फिलहाल और सही लग रहा है मुझे। और अभी आपको मैं पूरा घुमाऊंगा, तो मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा फाउंटेन टाइप बना हुआ है हाथियों का, तो इसलिए आपको पूरा घुमाते हैं और अंदर चल के। तो दोस्तों, ये है इसका ग्रीन गार्डन का जो पार्क है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सामने पीछे देख रहे हैं नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनके बीच में ये बहुत खूबसूरत जगह, और आप सभी को यहाँ आना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। आप घर से खाना ला सकते हैं यहाँ पर और अपने परिवार के साथ इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं, पर एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि गंदगी मत फैलाइएगा। हाँ, जगह जगह डस्टबिन है, तो आप जो भी सामान लाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको आप डस्टबिन में डालिएगा और जगह को साफ तो रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन जगह है और बहुत अच्छा है और खुला खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों, मैं अभी रास्ते दलित प्रेरणा स्थल के जस्ट बैक साइड में हूँ और मेरे इस साइड में ना ओखला बर्ड सेंचुरी है, अभी जस्ट बिल्कुल बगल में ही है और आप वहाँ भी घूम सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो फिलहाल मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ ये रास्ते दलित प्रेरणा स्थल। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी राष्ट्र दलित प्रेरणा स्थल पर और मैंने काफ़ी कुछ आपको दिखा दिया है, अंदर से भी दिखा दिया। फिलहाल आप ये जो रास्ता देख रहे हो दोस्तों, इस तरह के रास्ते दोनों तरफ है पार्क के, तो हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं रास्ता। तो दोस्तों, ये है सामने राष्ट्र दलित प्रेरणा स्थल और यहाँ से दोस्तों एक गेट यहाँ पर दिखेगा, ये जो पतला रास्ता मैं यहाँ से आया, सॉरी ये जो पतला रास्ता यहाँ से आया हूँ, आप इसी रास्ते पर आगे जाओगे तो आपको ये गेट मिलेगा और इसके आगे सीमा शुरू होती है कपल्स की। मुझे कुछ कपल्स यहाँ जाते दिखाई दिए हैं, तो आपको दिखाता हूँ पार्क कैसा, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये था मेरा राष्ट्र दलित प्रेरणा स्थल जिसे ग्रीन गार्डन भी कहते हैं नोएडा के, उस पर छोटा सा ब्लॉग और कोशिश की मैंने आपको ज़्यादा दिखाने की, बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने कोशिश की आपको ज़्यादा दिखा सकूँ, कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखा सकूँ, तो आई होप वो आपको पसंद आई हो। दोस्तों, बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, तो ये है नोएडा सेक्टर 95 में और आप DND क्रॉस करके जैसे आप आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आप सेक्टर 16 नोएडा, सेक्टर 18 और आप बोटेनिक गार्डन से भी आ सकते हैं रिक्शा करके और अपने बाइक से भी आ सकते हैं। पार्किंग बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट इसकी 15 रुपये है और एक बंदे की, और घूमने का टाइम है दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक और बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा आप भी आएँ और इस जगह को एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।